कंसंट्रेशन टर्म हम लोग का है वो हम लोग का है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन MOLEFRACTION, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाई से। अब देखिए ये है क्या, तो सिंपल एक टाइप का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किसका है, तो मोल का फ्रैक्शन है। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशंस के केस में लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशंस पढ़ना ही है, जो सॉल्यूशंस पढ़ना है हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। तो सॉल्यूशंस बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, वैसा सॉल्यूशंस जिसका दो कंपोनेंट हो, बाइनरी BINARY बाइनरी, बाई का मतलब होता है टू, मतलब जिसका दो कंपोनेंट हो उसी सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो आते हैं इसको टर्न पर, हम लोग टॉपिक पर, इससे हम लोग का है क्या, सॉल्यूट प्लस ऑफ सॉल्वेंट मिलके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन कर रहा है। सुनो तो लेट नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल Na है, इसका नंबर ऑफ मोल Nb है, ठीक है, हम लोग को निकालना है चाई ऑफ ए निकालना है, कितना निकल के आपको बता सकते हैं, इंडिविजुअल बाय टोटल, इंडिविजुअल बाई क्या निकालेंगे, टोटल Na बाई क्या हो जाएगा, Na प्लस ऑफ Nb। ये लिखे क्यों, पहले आप लोग को ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, देखिए समझिए बातों को, हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते, मोल फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है ये, सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये है, दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड करने से एक सॉल्यूशंस फॉर्म किया रहा है, कर रहा है। तो हम लोग को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे, तो कितना मतलब ये सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन में, ये सॉल्यूशंस के जो नंबर ऑफ मोल के फॉर्मेशन में इसका कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसका का कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब इसका कितना फ्रैक्शन इस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वही तो मोल फ्रैक्शन को पता रहेगा। कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल बाई क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। सिमिलरली एक मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, एन बी बाई क्या जाएगा, एन ए प्लस ऑफ एन बी, ठीक है, एन ए प्लस ऑफ ए बी। एक रिजल्ट आता है जो कि नोट करके लिखते हैं हम लोग का है क्या, चाई ए प्लस ऑफ चाई बी का जो वैल्यू निकल के आता है, चाई ए प्लस ऑफ चाई बी का जो वैल्यू निकल के आता है, 1 निकल के आता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, सिंपल इन दोनों का देखिए कर सकते हैं, यहाँ पर चाई ए प्लस और चाई बी लिख दीजिए, है ना, लिख दीजिए, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, एन ए बाई एन ए प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, एन बी लिखेंगे, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, एन बी बाई क्या जाएगा, एन ए प्लस ऑफ एन बी लिखेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एन ए प्लस ऑफ एन बी रहेगा ना जी, मतलब क्या आ गया, एन ए प्लस ऑफ क्या हो गया, एन बी आ गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना निकल रहा है, 1 निकल जा रहा है, इसको इधर भेजते हैं, ठीक है, 1, मतलब इसी तरीके से लिख सकते हो, मतलब चाहिए अगर मान लेते हैं चाहिए लिखना रहता है तब क्या हो जाएगा, 1 माइनस सब चाय भी लिखेंगे, अगर मानते हैं चाय भी लिखना रहता है तो 1 माइनस सब क्या लिखेंगे, चाय लिखेंगे, मतलब ये मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज बनाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये बाइनरी सॉल्यूशंस पे अप्लाई कर रहा है, किसी भी टाइप का सॉल्यूशंस हो मोल फ्रैक्शन जितना भी पार्ट क्यों ना हो हमेशा 1 के इक्वल होगा, हमेशा फ्रैक्शन का सम हमेशा, मान लेते हैं ये सॉल्यूशंस, तो पूरा कोई भी पार्ट, कोई भी जो पार्ट होता है, कोई भी अगर सबस्टांस होता है टोटल होता है 100%, उसको दो तीन पार्ट में डिवाइड किया या फिर फोर पार्ट में डिवाइड किया, सबको फिर एक्युमुलेट करेंगे तो 100% फॉर्म करेगा, मतलब इस सॉल्यूशंस के फॉर्मेशन में सॉल्यूट कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, मोल के टर्म में लिख रहे हैं वही उसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, सॉल्वेंट के टर्म में लिख देंगे वही उसका मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। सुनो तो इस तरीके से, ये तो हम लोग का था इन टर्म ऑफ मोल, सुनो तो इन टर्म ऑफ मोल हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ मोल, अगर मान लेते हैं इन टर्म ऑफ, अगर मान लेते हैं इन टर्म ऑफ पार्शियल, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, लेट इसका इंडिविजुअली जो मोल्स, इंडिविजुअली जो पार्शियल प्रेशर है पी नॉट ऑफ ए है, इसका जो मतलब ए के द्वारा पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड इंडिविजुअली जब अलग अलग रखा गया था तो ए पी नॉट ऑफ ए है, ये सॉल्वेंट के द्वारा जो है पी नॉट ऑफ बी है, ठीक है, और ये जो ये दोनों मिलकर जो सॉल्यूशंस में जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो दोनों का सम होता है, एक ही होता है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, मान लेते हैं पीटी है सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर क्या है, पीटी है, तो आप इसको लिख सकते हैं चाई ए इक्वल टू पी नॉट ए बाई पीटी, पीटी का मतलब क्या है, पीटी का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, समझा तो को, अब पी नॉट ऑफ ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब सॉल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट, सिमिलरली चाई ऑफ बी आप क्या लिख लिख सकते हैं, पी नॉट ऑफ बी बाय कर सकते हैं, पीटी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको एक ये तुम लोग का एक आ गया, इसका देखिए आप लोग को यूज पड़ेगा, आप लोग को यूज पड़ेगा, आप लोग को इक्विलिब्रियम में भी यूज पड़ा होगा जो कि आपको 11th क्लास में देखे हुए, समझ बात को, चलिए ठीक है।